प्रेजिडेंट ने कुछ सवाल किया, ठीक है ना। अब ये चाहते ना कि एक प्रोग्राम जिहड़ा मैं कहा जोड़ा फार्म में बैठो, ये आदे कि किहड़ियां स्कीमां आंदियां ने, इत्थे तक क्यों नहीं पुछी रहते हैं न्यूज़, मगर उस वक्त हमारा पैसा जो है वो हमारे तक नहीं पहुँचता, वो पीछे ही लिप्त हो जाता है या खा जाता है। तो इसलिए नागर साहब हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे एक जज्बा गुजर कौम के लेकर आए हैं। आप हमारे भाई हैं, हमारा और आपका खून एक है, हमारा और आपका एक ही है, और हम वो कौम है, हम और आप वो कौम गुजर हैं जो कि किसी भी हर ताकत से हम इंशाल्लाह हमें ताकत दी है, लड़ाई लड़ी है, हमने अपने मुल्क को आज़ाद करवाया है, ठीक है। अभी हमारे गुजर चाहे वो मुसलमान है चाहे वो हिंदू गुजर है, हमारे ईमान है, अपना धर्म है, वो खड़ा रहेगा, जो लाठी लेके खड़ा रहेगा वो लाठी लेके खड़ा रहेगा, और जिस उत्तर प्रदेश में या दिल्ली की बात करो या अपने मध्य प्रदेश की बात करो, वहाँ हरियाणा की भी बात आप कर लें, उत्तर प्रदेश वहाँ हम मेजॉरिटी में इतने हैं कि हमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं, हम इतने में इतने मजबूत हैं, वहाँ मजदूरों की बात कर रहा हूँ। देखो बात है ना, राष्ट्र प्रेम है तो एक अपने परिवार का प्रेम है, अगर मैं अपने परिवार के प्रति प्रेम तो अपने जो ना दिल्ली से चल के अपने भाइयों में आया हूँ, क्योंकि मैं गुजर समाज से आता हूँ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम गुजर सब एक हैं और हमारे सब ये भाई हैं। मैं जम्मू कश्मीर का प्रभारी भारतीय, मेरा नाम रोशन दीन है, हातम साहब गुजर भाई हमारे दिल्ली से आए हैं और हमारे हालात को देखने के लिए, और बीजेपी के ये नागरिक हैं और हम सब इनकी बेहद दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आके इतनी मंजिल को पहतह करके हम लोगों की मुसीबत और परेशानियों को देखा, और हमारी बहुत सारी कमज़ोरियां ऐसी हैं जिनको इन्होंने आके देखा है। हमारे समाज हमारा आप देख ही रहे हैं कि इस वक्त ये मीडिया सामने देख रहा है कि हमारी ये जुगियाँ जो है बिल्कुल बड़े गरीब लोग हैं, हम बहुत पिछड़ेपन लोग हैं, कि पीछे जो यहाँ पर फायरिंग हुई थी उस फायरिंग की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ था, घरों का नुकसान हुआ था, माल मवेशी का नुकसान हुआ था, और हम इनको बता रहे हैं और ये हमारे हालात को देख रहे हैं। हम इनको को जो अपने उस वक़्त की फायरिंग की वजह से जो वीडियो है वो भी हम इनको देंगे, ताकि ये देख करके खुद, और उस वक़्त दिनेश भारती जो हैं वो भी आ करके हमारी उस बस्ती को देखा था उन्होंने, और हम बहुत ज़्यादा क्या बोलें कि इतना वक़्त नहीं है कि हमारे राजेश बिट्टू साहब जो हैं ये हमारे शाना बशाना हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं, हमारे इंशाल्लाह हमारे साथ ये चलते रहते हैं, और हमारी मुसीबतों को दूर करने के लिए कोई ना कोई हमारा मंत्री कोई कुछ यानी के अहदेदार हमारे पास लाता है, हमारी कमजोरियों को देखता है। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजर समाज है ये किसी धर्म में बंधा हुआ समाज नहीं है, गुजर मुसलमान भी है, गुजर हिंदू भी है, गुजर सरदार भी हैं। हमारे यहाँ से चल के आने का मेरा इनका बीच में मतलब एक तो ये है कि ये गुजर काम जो है ना देशभक्त काम है, इसने एक नहीं सैकड़ों बार अपने आप को साबित किया है कि इस हिंदुस्तान में हमसे कोई बड़ा राष्ट्र भक्त नहीं है। आप तो यहाँ लोकल हैं, मैं तो यहाँ आया हूँ, आप देखते होंगे कि बॉर्डर पे यहाँ जब जब आवश्यकता पड़ी है ये मेरे गुजर भाई काम आए हैं। इन्होंने खुद जो है चाहे आतंकवाद आया हो, चाहे पाकिस्तान से गोला आए हों, चाहे गोली आए हों, इन्होंने अपना सीना आगे करके उसका सामना किया है, अपने पशुओं की बलि दी है, अपने भाइयों की बलि दी है। जब जब यहाँ पाकिस्तान गोला बारूद जो छोड़ता है तो यही लोग उसका सबसे पहले शिकार होते हैं।
इसमें मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि जब से उनकी सरकार आई है, मेरे भाई ये सब मेरे पास खड़े हैं, तब से वो चीज़ें बंद हैं, ये मैं उन्हें क्रेडिट देना चाहूँगा। और दूसरे चीज़ें ये हैं कि जिस हालात में ये लोग रह रहे हैं, मेरी मतलब समय से परे की बात है कि इनके कोई आवास की व्यवस्था नहीं है, इतने बड़े पशुपालन जो हमारे भारत सरकार में इतने बड़े बड़े कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं पशुपालन के लिए, इनके आप देखो कितनी हजारों की संख्या में इनके पास ये भैंसें हैं, गाय हैं, जिनके दूध का इनका मुख्य उद्देश्य है, और डेली ये हजारों घरों में ले जाकर दूध की सप्लाई करते हैं, और ये मतलब पूरी तरह इस देश की मिट्टी में रमे हुए ये लोग हैं। मेरे आने का कारण जो एक टीस है मेरे मन में, जैसे हम वहाँ बहुत संपन्न हैं, ये हमारे भाइयाँ उस स्थिति में नहीं है, तो मैं इनके बीच में आया हूँ, इनकी समस्याएं इनसे बातें करके इनकी कौन सी चीज़ ऐसी है जो मैं दिल्ली तक पहुँचाऊँगा। और एक मेरा बड़ा मैं अभी अपने भाइयों के बीच में कह रहा हूँ, एक मेरी बड़ी सोच है, एक मेरा विचार है कि अगर इन लोगों का साथ हुआ तो मैं अमित शाह जी को इनके बीच में लेकर आऊँगा, एक गुर्जर सम्मेलन करेंगे और उसमें अमित शाह जी को लेकर आऊँगा कि उन्होंने जो एक सपना देखा जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलने का, वो तस्वीर जब तक ये गुर्जर भाई साथ नहीं होंगे तो वो रंग नहीं भरा जाएगा। मैं सिर्फ आज तो इन लोगों से मिलने और इन्हें बधाई देने आया हूँ, आगे जरूर हम इस पर काम करेंगे, और अगर ईश्वर की कृपा रही और इन सब लोगों का साथ रहे तो निश्चित रूप से एक आगे डगर बनेगी, रास्ते बनेंगे। आप देख रहे हैं कि हमारे चौधरी माम हुसैन जी, हमारे लंबरदार साहब के यहाँ पे आज इफ्तारी है, और रमजान शरीफ का जो माह है पूरा इन्होंने अपने ढंग से किया है, तो ईद भी आने वाली है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाई हातम सिंह नागर जी का जो इनके बीच आए। तो मैं समझता हूँ दिल्ली से पहला कोई ऐसा लीडर होगा जो इनके कुल्ले में आके बैठा है, तो जब जब कभी भी हालात ठीक रहे ख़राब रहे इनका साथ रहा। राष्ट्रवादी लोग हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के आने वाले लोग हैं, और हमारे साथ इनके संबंध जो हैं वह हिंदू मुसलमान वाले नहीं हैं। मैं पहले वही बात कर रहा था, अभी हमारे उप महापौर ड्यूटी मेयर पूर्णिमा जी कह रहे थे कि आज अकेले अकेले आप सियाँ खाने जा रहे हो, तो ऐसे रिश्ते जहाँ भाईचारे वाले जो रिश्ते हैं, तो ये एक मिसाल है। और मैं मिसाल का मैं जब ये पार्टी ऑफिस में थे तो इन्होंने हमारे संगठन मंत्री जी से जब बात की, उन्होंने कहा कि जरूर जाना चाहिए, और एक सम्मेलन जो जैसे उन्होंने कहा उसको हम नाम देंगे सरहदी सम्मेलन, सरहद के ऊपर होगा, पाकिस्तान जो मात्र वहाँ से 50 मीटर 100 मीटर दूर है वहाँ पे होगा, और एक हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे और बुलंद रोशनदीन जी ने जैसे बोला है मौलवी साहब ने कि ये राष्ट्रवादी लोग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे भी आकर के जहाँ बड़ी खुशी हुई, मैं तो अपना परिवार मानता हूँ, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये किससे चलते हैं। पिछले दिनों मानिए हमारे बाकी संघ के लोग भी, यहाँ बड़ा एक सम्मेलन हुआ उसमें भी पूरी बरादरी ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। मैं आज माह रमज़ान की ओर जो समाप्ति की ओर जा रहा है उसका बहुत बहुत इनको बधाई और मुबारक पेश करने आया हूँ, और साथ में ईद वाले दिन ईदी भी देंगे भी और लेंगे भी, देखते हैं क्या क्या होता है मौलवी साहब से। तो मैं आज फिर पुनः एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ हातम सिंह नागर जी का, बड़े भाई का, जो इधर आकर के हमारे साथ सहयोग में रहे और आज इफ्तारी में हमने भाग लिया।